प्राइस का ओपनिंग इस लेवल पे हुआ। इनिशियली बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किए, लेकिन ऊपर के लेवल पे सेलर्स हावी हुए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ला दिया। और मान लो कैंडल का क्लोजिंग इस लेवल पे हुआ, तो इस तरीके से जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इसमें भी ध्यान यही रखना है कि जो बॉडी का साइज है उससे कम से कम दुगुना उसका विक का साइज होना चाहिए। ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है मतलब ये पैटर्न अगर हमको ट्रेंड रिवर्सल के लिए देखना है तो हमको चार्ट के बॉटम पे देखना है। तो इन्वर्टेड हैमर को हम चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया है और बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बना है। अब इसके बाद प्राइस में रिवर्सल आ गया है।